नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और मैं हूं आपके साथ नम्रता। आइए रुक करते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। यूएस दौरे के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए साथ खड़े हैं भारत और अमेरिका। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के सांसदों से मांगी परफॉर्मेंस रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को जगन्नाथ रथ यात्रा की दी शुभकामनाएं। नशा तस्करों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, 100 से ज्यादा ठिकानों पर रेड। असम में बाढ़ जैसे हालात, 10 जिलों में 31,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। संजय राउत ने यूएन चीफ को लिखा पत्र, 20 जून को वैश्विक गद्दार दिवस घोषित करने की अपील की। शिवसेना के स्थापना दिवस पर एकनाथ शिंदे का ऐलान, बीजेपी के साथ ही लड़ेंगे चुनाव। नीतीश कुमार का चेन्नई दौरा रद्द, स्टालिन के साथ करने वाले थे मुलाकात। पुरी में निकली भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा, अमित शाह ने अहमदाबाद में की मंगल आरती। फ्रांस ने हमले की आशंका के बीच ईरान विरोधी रैली पर लगाया बैन। खबरें फटाफट में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए द लीडर हिंदी पर।